पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वाधान में रेलवे के महाप्रबंधक एवं संरक्षक पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ विनय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में फिट इंडिया साइक्लोथान का आयोजन रविवार को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में किया गया। इस दौरान पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष मीना त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर फिट इंडिया साइक्लोथान को रवाना किया। साइक्लोथान का नेतृत्व महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने किया। इसके पूर्व सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में नव स्थापित ओपन जिम का उद्घाटन महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी एवं मीना त्रिपाठी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि यह साइक्लोथान नागरिकों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 31 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर हमें फिट रहना है, कोविड के बाद फिटनेस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सुबह का समय फिटनेस के लिए अच्छा रहता है, 40 वर्ष के ऊपर के लोगों को फिटनेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महाप्रबंधक ने कहा कि साइक्लोथॉन के प्रतिभागियों को देखकर लगता है कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी काफी ऊर्जावान हैं। महाप्रबंधक श्री त्रिपाठी ने ओपन जिम की बधाई देते हुए कहा कि इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। नरसा के इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ की उपलब्धियों में काफी वृद्धि होगी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एवं सचिव पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि कोविड महामारी से बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया साइक्लोथॉन कार्यक्रम संपूर्ण भारत में चलाया जा रहा है, जिसे अपनाकर हम अपने को फिट रख सकते हैं। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अमित ओझा, प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अरविंद कुमार पांडे, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक अनिल कुमार सिंह, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक एससी प्रसाद, प्रमुख मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार चार इंजीनियर अनिल कुमार मिश्र, पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की सदस्याएं, वरिष्ठ रेल अधिकारी, कर्मचारी, खिलाड़ी तथा खेल प्रेमी मौजूद रहे। कर लें तो ठीक है।